अभी मामा जी कहना है कि यूक्रेन में जो फाइट चल रही है ना, तो वो मामा जी जा रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ मैं प्लॉटों की प्लॉटिंग की करने वाला हूँ स्टार्ट, प्लॉटिंग शुरू करने वाले हैं। तो जिसको भी अगर यूक्रेन में प्लॉट चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और दिन की शुरुआत एज यूजुअल मेरे एडिटिंग कर रहा था, अभी सुबह से उठ के मैं एडिटिंग कर रहा था। बाहर काफ़ी सारे बच्चे की आवाज़ आ रही है, मतलब बच्चे खेल रहे हैं। और फिलहाल टाइम हो चुका है अराउंड 11:30, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, और जस्ट अपनी एडिटिंग फिनिश करने के बाद अब नहाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और नहाने से पहले मैं एक बार आपको दिखाता हूँ हमारे घर का माहौल। ये हमारा जो बाहर वाला रूम है, ये बाहर वाला रूम रहने वाला है कम्प्लीटली। और इधर आवाज़ आ रही है मिक्सर की, इसका मतलब मम्मी कुछ कर रही होंगी एज यूजुअल। ये देखो, ये लस्सी वगैरह बन रही है यहाँ पर, एकदम फ्रेश प्योर, ये लंच के लिए बन रही है। और ये है हमारा दूसरा रूम, इधर इसकी लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी। ये हमारा सेकंड रूम है, और इसके अलावा इधर दिखाऊं तो ये हमारा थर्ड रूम है, यहाँ की लाइट्स भी ऑन करनी पड़ेगी। हमारा थर्ड रूम रहने वाला है, पूरा मैसी रूम है कम्प्लीटली। पूजा भी यहीं पर है हमारी। और ये रहने वाला हमारा फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पेंटिंग वगैरह लगा रखी है हमने, और आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ सब लोग हम आपस में बैठते हैं, कुछ बातचीत करनी है यहाँ पर बैठकर अपना आराम से बातचीत करते हैं। एक प्लांट हमने उधर भी लगा रखा है, वो सीसीटीवी का सेटअप है पूरा कम्प्लीटली। और ये रहने वाले हैं दो रूम्स, फिश टैंक रहने वाला है, हमारी प्यारी प्यारी मछलियाँ। और ये रहने वाला है मेरा रूम। इसमें मेरा बहुत दिन से प्लान चल रहा था कि अपना जितना भी यूट्यूब का ऑफिस वगैरह है वो सेटअप यहीं पर करूं, लेकिन टाइम मिल नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। और ये रहने वाला है एक और रूम, ये कम्प्लीटली इस तरीके से रूम रहने वाला है, पीछे बाथरूम, ये अलमारी वगैरह। तो ये पूरा टूर दे रहा हूँ मैं, अपना हाउस टूर दे रहा हूँ। और ये काफ़ी लोग पूछते हैं क्या ये टाइल रहने वाली है, वुडन टाइल रहने वाली है, जो वुड का है तरीके से लुक देती है प्रॉपर। और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर हमारी प्रॉपर एक छत रहने वाली है, ऊपर भी दिखा देता हूं आप लोगों को। तो ऊपर लेके चलूं तो ऊपर भी ना मेरे शूज पड़े हैं। ये रहने वाली है ऊपर छत कम्प्लीटली, वॉशिंग मशीन यहाँ पर रखी है, यहाँ एक पेड़ है अच्छा खासा। ये एक टेम्प्रेरी किचन, इसके अंदर बस टेम्प्रेरी हमने सामान डाला हुआ है उल्टा सीधा। ये हमारा बाथरूम और वॉशरूम दोनों, वॉश बेसन। यहाँ काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं हमने, प्लांट्स जो कि अच्छे रहते हैं। एक रूम भी बना रखा है हमने ऊपर, ये हमारा प्रॉपर रूम रहने वाला है कम्प्लीटली। बस टेम्प्रेरी चीज़ें बना रखी हैं हमने ऑलरेडी, ये सब टेम्प्रेरी रूम वगैरह, ताकि कभी मन नहीं हुआ ऊपर बैठने का, कोई भी हमारा गेस्ट आता है तो उनके लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ये था पूरा कम्प्लीटली हाउस टूर, इस तरीके से पूरा हमारा ये छोटा सा घर रहने वाला है। तो भाई हाउस टूर तो हो गया, अब बारी है नहाने की। अब फटाफट जल्दी से नहा लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो वे नहा धो के हो चुके हैं रेडी, और अभी भी मम्मी किचन के अंदर ही हैं। अब देख लेते हैं क्या कर रही हैं मम्मी इस वक्त। और यहाँ पर मेरे हिसाब से कढ़ी बन रही है क्या? कढ़ी बना रही है। कढ़ी बनने की तैयारी, पकोड़े, ये मक्खन बड़ा टेस्टी नहा धुल के आया था, खा के देखता हूँ। ये इसका मज़े अलग है, शानदार। ये क्या है? ये लस्सी है, इसमें बेसन घोल रखा है कढ़ी के लिए। अच्छा, मतलब प्रॉपर रेडी होने वाली चीज़ें। चलो ये तो हो गया सेटअप, अब मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पर ये देखो सब कुछ बढ़िया खाना खाने के साथ मिलते हैं डायरेक्ट आपको। तो भाई अपने खाने से पहले हम दे देते हैं अपनी मछलियों को खाना, इनको देना भी बहुत ज़रूरी है। देखो सारे आ जाएंगे मेरे पास। चलो जितने खाना खाती है मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया वाली। तो दोस्तों अगर मैं YouTube की बात करूँ तो काफ़ी सारे लोग YouTube पर वीडियोस बनाते हैं अलग अलग तरीके की। मैंने भी अपना करियर आज से 3-4 साल पहले YouTube पर स्टार्ट किया था, और मैंने मार्केट ब्लॉग स्टार्ट किए थे। मार्केट ब्लॉग में मैं नई नई मार्केट्स को, नई नई दुकानदारों को एक्सप्लोर करता हूँ कि किन के पास क्या क्या चीज़ें मिलने वाली, सस्ती चीज़ों में। तो 2017 में मैंने अपना वो चैनल स्टार्ट किया था, और उस टाइम पर मेरी अगर मैं पर्सनल घर की स्थिति बताऊं तो ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं थी, काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम में था।
तो आफ्टर यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके बाद मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। मतलब मुझे बहुत लोग जानने लगे, पहचानने लगे, जगह जगह पर लोग मिलने लगे, मेरी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व होने लगी धीरे धीरे, और धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल ट्रैक पर आनी स्टार्ट हो गई। पर हाँ, जब मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी यूट्यूब करियर में तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी मैंने फेस की। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो खुद मुझे बोलते थे कि क्या फालतू का काम कर रहा है उस टाइम पर। तो अब तो खैर काफ़ी प्राउड करते हैं सभी मेरे ऊपर। और ये जो मैंने अपना घर बनाया ये भी मैंने अपनी YouTube इनकम से सिर्फ एक साल के अंदर बना दिया। तो YouTube पर अच्छा खासा पैसा है अगर आप सही ट्रैक पकड़ लें और सही तरीके से काम करें। लेकिन इसके अंदर अगर मैं बात करूँ बिजनेस से भी ज़्यादा और अपने जॉब से भी ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि YouTube पर इतना कॉम्पिटिशन है आज की डेट में। तो YouTube पर सर्वाइव करना या अपनी जगह को मेनटेन करना आज इतना नॉट एन ईजी टास्क, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, आपके अंदर अगर जुनून है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना चैनल। अपना जो कंटेंट है वो देख लीजिए किस चीज़ पर आप परफेक्ट हैं और उस चीज़ के ऊपर अपना चैनल खोलकर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली कह रहा हूँ कि एक जॉब से तो बहुत बढ़िया है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जितना हार्ड वर्क करोगे अपने लिए करोगे, जितना ग्रो करोगे अपने आप को करोगे। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है उसको देखिए। जो लोग आपको बोलते हैं आसपास के कि आप यार बड़े इस चीज़ में बहुत परफेक्ट हो आप लोग, तो उस चीज़ पर ही अपना चैनल खोलिए और अपना चैनल को नई स्टार्टिंग कीजिए। चलो बहुत बातें हो गई, अब भूख लगी है बहुत तेज, अब खाना खाते हैं और फिर आपसे बात करता हूँ। फाइनली मेरा खाना आ चुका है और बहुत टेस्टी कढ़ी चावल और कुछ सैलेड, अब रहा नहीं जा रहा, जल्दी खाता हूँ इसको फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, खाना खाने के बाद मुझे एडिटिंग के लिए काफ़ी टाइम लग गया, फिर एडिटिंग की बैठकर, और नींद तो बहुत ज़्यादा आती है लेकिन खाना खाने का, क्योंकि टेस्टी जब खाना मिलता है ना सबसे ज़्यादा नींद ही आती है। तो अब शाम हो गई है और अब छत पर आए थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए, और मम्मी एज यूजली जो अपना काम करती हैं काम ही करती हैं इस वक्त भी। अब मम्मी दे रही हैं पौधों को पानी, इनको पानी देना ही बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा है एलोवेरा जो सबसे ज़्यादा काम आता है। हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं लेकिन एलोवेरा सबसे बढ़िया लगता है मुझे। तो भाई अब मेरे मामा जी भी आ चुके हैं, मामा जी से एक बार मिलवा देता हूँ। काफ़ी व्लॉग में देखोगे मामा जी क्या हालचाल। बहुत बढ़िया। अभी मामा जी कहना है कि यूक्रेन में जो फाइट चल रही है ना, तो वो मामा जी जा रहे हैं वहाँ पर, और मैं प्लॉटों की प्लॉटिंग की करने वाला हूँ स्टार्ट, प्लॉटिंग शुरू करने वाले हैं। तो जिसको भी अगर यूक्रेन में प्लॉट चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। प्लॉट बताऊँ, मेरी पुतिन से सीधी बात हो गई है, डायरेक्ट पुतिन से डायरेक्ट बात हो चुकी है। क्या रेट में बेच रहे हो ये प्लॉट वगैरह वहाँ पे? वहाँ 100 रुपए गज। 100? अभी ऐसा ना, वहाँ लेने वाला कोई है नहीं ना, अभी लेने वाले कम लोग हैं। तो अगर पैसे नहीं, पैसे भी दिल चाहिए जा रहे हैं जिस पर, तो वहाँ जाके ले सकता है यूक्रेन में। जो दिल्ली एनसीआर में नहीं ले सकता तो यूक्रेन में अपना ले सकता है प्लॉट, बस कर लेकिन पैसे कम, दिल ज्यादा बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। एडवांस बुकिंग है? टोटल एडवांस बुकिंग रहेगी, तो संपर्क कर सकते हो इनसे डायरेक्ट। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, छिपकली सर्दियों में कांच रहती दिखती नहीं है, गर्मियों में एकदम आ जाती है? एक तो सर्दियों में ठंडा हो जाता है मौसम, उनको भी ठंड लगती है, दीवारें भी ठंडी हो जाती है, तो कहीं ऐसी जगह छुप जाती है जहाँ पे मतलब कोई सामान रखा रहता है एक्स्ट्रा, तो वहीं पे चली जाती है। अच्छा, मतलब छुप जाती है सर्दियों में। और गर्मियों में क्या होता है कि एक तो मच्छर कीड़े ये ज्यादा आते हैं गर्मियों में। तो सर्दियों में खाती क्या है? अब ये तो मैं नहीं बताऊंगी। वो छुप जाते हैं तो खाते क्या हैं? तो वो ये तो तुझे सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे, देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ तो अभी नहीं दिख रही शायद। एक बोरी ये रही, हाँ दिख गई एक ये रही, और ये पता नहीं क्या खाती है क्या नहीं खाती, और गर्मियों में निकलती है बाहर, सर्दियों में दिखती नहीं है। वो ठीक है लेकिन सर्दियों में क्या खाती है छुपने के बाद? सर्दियों में तो मकड़ी खाती होंगी ना, वो अंदर मकड़ी जाले तो ऐसी जगह बना देती है जहां गंदगी होती है। अब भी अब देखो ये निकल गई बाहर, अब छुप जाएगी थोड़ी देर बाद है रात में। तो अभी जस्ट मैं कटिंग करवा के आया हूँ, और मेरे बाल ज़्यादा नहीं कर रहा है, हल्के हल्के कटवाए हैं, अब भी वैसे काफ़ी पड़े हैं। और ये अब क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना युद्ध वगैरह, लोग लड़ रहे हैं, शांति से जियो और जीने तो मेरा मन यही है, लेकिन लोग लड़ते रहते हैं। और ये पता नहीं यूक्रेन और रशिया के बीच में कब तक ये लड़ाई चलने वाली है, मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। भाई तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।